गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्वारका गुजरात। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है जिन्होंने कल का व्लॉग देखा होगा, हम पहुंच गए थे गुजरात द्वारका और वहां पे हमने दर्शन किए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के और उनका आशीर्वाद लिया। तो बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है, आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आए। और ये चार धाम में से एक धाम है द्वारकाधीश। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी द्वारका के बीच पे मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, सुबह सुबह आ गया था मैं और लगभग 6:45 हो चुके हैं मॉर्निंग के। और आज का मैं प्लान बता दूँ, हम जाएंगे गिरनार जो कि सबसे फेमस है लॉन्गेस्ट रोपवे के लिए। 3 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे है जो कि अभी रिसेंटली श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो उसको देखने जाएंगे। इसके अलावा हम जाएंगे गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे एशियन लॉयंस देखने को मिलते हैं और हम ट्राई करेंगे सफारी करके एशियन लॉयन को कैप्चर करने की, ताकि आपको दिखा सकें। और थर्ड प्लान है सोमनाथ महादेव के दर्शन करने, जो कि बहुत ही फेमस टेंपल है गुजरात का। तो ये आज के हमारे प्लान हैं, देखते हैं, क्योंकि हैट्रिक है, बहुत लंबा रूट हो जाएगा। देखते हैं, अगर आज के दो प्लान भी पूरे हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये व्यू है हमारे बीच का, द्वारका बीच का, ये देखिए पीछे ये लाइट हाउस आप देख पा रहे होंगे, ये लाइट हाउस है। रात को आपने देखा होगा लाइट पूरी चमक रही थी। तो मंदिर यहाँ पे बैक साइड पे है, इधर मंदिर और सनराइज़ भी इसी तरफ होगा। अभी हम खड़े हैं सुदामा सेतु पे और इसका जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपीज़ है। और ये सभी घाट हैं, ये देखिए सारे पीछे मेरे घाट हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और इसको कहते हैं गोमती नदी का घाट। और यहाँ पे क्रिया कलाप होती है, यहाँ पे स्नान होता है और अस्थियाँ विसर्जन होती हैं यहाँ पे। और ये गोमती नदी बता रहे हैं कि समुद्र के अंदर से निकलती है, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि समुद्र के अंदर से कोई नदी निकल रही है। और अभी मैं खड़ा हूँ सुदामा सेतु पे, तो पूरा देख लीजिए पीछे तक, पूरा ये सेतु है दोनों साइड, यह है सुदामा सेतु। और ये पीछे मेरे मंदिर द्वारकाधीश टेंपल, ये पीछे नज़र आ रहा होगा आपको यहीं से। और इसको पार करके आप जा सकते हैं यहाँ बीचेस पे, ये सामने बीचेस हैं, बहुत ही प्यारे बीचेस हैं और अच्छे अच्छे बीच हैं, आप यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं पीछे। तो अभी हम चलेंगे अपने होटल में और आज की राइड शुरू करेंगे। तो ये था हमारा होटल राज पैलेस और हम निकल पड़े हैं आज के राइड पे, आज के अपने सफ़र पे गिरनार के लिए। और सेकंड हमारा डेस्टिनेशन होगा वो होगा गिर नेशनल पार्क और हम देखेंगे एशियन लॉयंस। और ये देखो होटल पर, ये बहुत सारे होटल हैं यहाँ, तो सैकड़ों के तादाद में होटल्स हैं, चीप एंड बेस्ट होटल मिल जाते हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा। श्री कृष्ण की माखन हांडी और बांसुरी। तो ये है द्वारका नगरी जो कि श्री कृष्ण की राजधानी थी द्वारका, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने राज किया था। और
बेट द्वारका, जहाँ पे हम बाय फेरी गए थे वहाँ पे उनका घर था, रहते थे वहाँ पे। तो सोने के लिए, रहने के लिए वो बेट द्वारका जाते थे, ऐसा कहा जाता है। ये देखिए, कोई भी यहाँ पे हेलमेट नहीं लगाता। गुजरात में मैंने देखा है कि 99.9% कोई हेलमेट नहीं यूज़ करता, सभी विदाउट हेलमेट चलते हैं, चाहे हाईवे हो चाहे कोई कहीं भी हो। तो पोरबंदर यहाँ से रह गया है 15 किलोमीटर, सोमनाथ 149 किलोमीटर। अभी हमने टोल प्लाजा को क्रॉस किया है और ये हमारे चारों तरफ विंड मिल, और अभी भी टोल रोड चालू है। पोरबंदर के लिए राइट जाना पड़ेगा, राजकोट 177, पोरबंदर 8 किलोमीटर। राइट बोल रहा, राइट, टेक द नेक्स्ट राइट। हमने जो टोल रोड हाईवे है उसको छोड़ दिया है, राइट साइड पे हमने कट है पोरबंदर से पहले। नहीं, सही बता रहे, 1 किलोमीटर का ही है ये कट। गिरनार रोप वे डाला था मैंने। ये आज का थर्ड टोल गेट विद इन 100 किलोमीटर, ये तीसरा टोल गेट आ गया है और हम क्रॉस कर दिया है तीसरे को। और हमने वो सोमनाथ वाला हाईवे उसको लेफ्ट करके ये दूसरा हाईवे आ गया है। अभी हम हैं गिरनार से जस्ट 40-50 किलोमीटर पहले हैं, और ये हमने अभी पीछे पेट्रोल फिल करवाया था अपने टैंक में, और सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था। ये अमित भाई कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और देखो इनके ब्रेकफास्ट भाई, ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, नीचे गिरे वाले जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है 12 बजे, 12 साढ़े 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, और ये ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा, चाय। बट अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं फील हो रहा आपको? हाँ, भूख नहीं लग रही थी खास, तो अभी सीधा गिरनार में जाके कुछ सीधा लंच ही करेंगे अब तो, है ना। तो गाइस, हम निकल पड़े हैं पेट्रोल पंप से, और यहाँ इस शॉप पे हमने अभी चाय पी थी और कुछ स्नैक्स लिया था। तो आगे टोल गेट आ रहा है, एक और चौथा टोल गेट है। 46 किलोमीटर है और जाना है हमें गिरनार के लिए, और 1 आवर 12 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है, समय दिखा रहा है गूगल भाई। तो गाइस, हमने ये हाईवे अब छोड़ना पड़ेगा राजकोट वाला, ये बहुत ही प्यारा हाईवे था। अब हम आ जाएंगे स्टेट हाईवे, और स्टेट हाईवे का आप हाल देख ही लीजिए, सोने पे सुहागा। गुजरात स्टेट हाईवे 26 पे हैं अभी हम, और 3 किलोमीटर तक हमने जाना है इस रोड पे, उसके बाद देखते कौन सा रोड मिलता है। रोड ट्रिप का तो यही मज़ा है, आप विलेज से, सिटी से, स्मॉल सिटी, बिग सिटी होके अपने सफ़र को, अपनी जर्नी को करते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। आपको गिरनार जाना हो तो आप ये रोड देख लीजिए, इसी रोड से आपको गिरनार जाना पड़ेगा। ये है जूनागढ़ वाली रोड, और जूनागढ़ यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर रह गया है, और कभी भी आप गिरनार आते हैं तो इस रूट से ही जाना पड़ेगा। आप ध्यान से देख लीजिए रूट, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो ये नगर पालिका जूनागढ़, बहुत ही ब्यूटीफुल गेट हमने क्रॉस किया है। ये देखिए सबसे ऊंची हिल, आई थिंक इसी हिल पे हमें जाना है, और ये रोपवे जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया था, 3 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे है। और नहीं तो पहले आपको स्टेयर से जाना पड़ता, तो उसमें समय भी और एनर्जी दोनों ही बहुत लगती थी। तो लगता है कि हम पहले ही राइडर होंगे जो रोपवे पे जाएंगे। इस टाइम तो इतनी गर्मी है, गंदी गर्मी है, बता नहीं सकता। और ये यार रात का मौसम यहाँ ठीक रहता है, दिन में तो बहुत बुरा हाल है यार, और दिसंबर का मंथ चल रहा है और बहुत गर्मी है यहाँ पे। और गाइस, हम पहुँच चुके हैं गिरनार में, और ये गिरनार की मार्केट देख रहे हैं आप,
ये पूरा गिरनार का एरिया है जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ देखते हैं अब कहीं पार्किंग करते हैं बाइक की, और इसके बाद फिर हम चलते हैं रोपवे पे। गिरनार रोपवे वेलकम यू, वेलकम्स यू। तो यहीं पार्किंग करते हैं अब अपनी बाइक। गाइस हम पहुँच चुके हैं गिरनार, और ये देखिए पीछे है रोपवे, ये पीछे है रोपवे, पीछे आप देख रहे होंगे जिसको हम उड़न खटोला भी कहते हैं। और ये जाता है माता का मंदिर है ऊपर वहाँ तक। तो अभी हम आए हैं उड़न खटोले की सवारी करने, जो कि है गिरनार में, और माता के मंदिर में जाके माता के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम वापसी आ जाए। तो ये वेटिंग हॉल है, अभी हमारा नंबर नहीं आया है तो हम वेट कर रहे हैं, जैसे नंबर आता है तो फिर हम आपको दिखाएंगे उड़न खटोले की सवारी। और तो उससे पहले कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, भूख लग रही है। तो अमित भाई खा रहे हैं समोसा और फाउंटेन पेप्सी, और मैं खा रहा हूँ पफ, पंजाबी पफ कहते हैं। टिकट का प्राइस बता दूँ, टिकट का प्राइस है 700 पर पर्सन, 1400 रुपए की हम दोनों की टिकट आई है ये रोपवे की, उड़न खटोले की, उड़न खटोला अभी हम राइड करेंगे। तो गाइस अभी हम हैं गिरनार में, और अभी ये है उड़न खटोला हमारा, तो अभी राइड ले रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर माता के दर्शन करने हैं। और ये राइड 7:50 की है, और अगर आपको पैदल आना है तो नीचे ये देखिए स्टेप्स बने हुए हैं, मोर देन 10,000 स्टेप्स हैं, और 2 घंटे से ज़्यादा लगता है ऊपर जाने में, आने जाने में आप मान के चलो 4-5 घंटे लग जाएंगे अगर आपने पैदल आना है। तो ये देखिए सामने सबसे टॉप पे हमें जाना है, और ऊपर मंदिर है, वो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है व्हाइट वो डरने वाला सा। ये देखिए पैदल लोग आ रहे हैं, अभी भी खतरनाक क्लाइंब, ये सामने पैदल आ रहे हैं लोग, ये सारे पैदल, ये पैदल का रास्ता है ये ऊपर, उसका भी अपना एडवेंचर है, बंद हो चुके हैं, लेकिन मौसम आज ठंडा हो ना तभी पैदल चलने का फायदा है, और एकदम से गर्मी में तो बुरी हालत हो जाएगी। हाँ कान बंद हो रहे हैं क्योंकि हाइट जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है। और ये व्यू देखिए चारों तरफ का व्यू, पीछे आप देख रहे हैं ये माता का मंदिर है। गिरनार में हम आए हैं, गंडोला राइड करके आए हैं, तो ये माता का मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, वहाँ दर्शन करेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे। तो गाइस ये काफ़ी ओल्ड टेंपल है, ये मेरे सामने देखिए, बिल्कुल ये देखिए बहुत ही प्यारा, और पहाड़ की ऊँचाई पर बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है। और ये मंदिर के अंदर एंटर करते हुए तो गाइस एक माता के मंदिर के दर्शन के बाद एक और मंदिर है जो सबसे हाइट पे है, तो उसका जाने का रास्ता भी यहाँ से है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि गंडोला यहीं तक आता है आपका। और मैं व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से आपको चारों तरफ का, ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू है, पूरा ऊँचाई से सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2-3 लेक्स नज़र आ रही हैं, जूनागढ़ की सिटी नज़र आ रही है, और अपना गिरनार नज़र आ रहा है, और ये पैदल का रास्ता है नीचे जाने का, और ये है मंदिर मेरे पीछे। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो हमारा गिरनार का आज का टूर यहीं पे कंप्लीट होता है, और अब हम वापसी खंडोला से जाएंगे नीचे, और उसके बाद हम जाएंगे सोमनाथ टेंपल। तो आज हम स्टे करेंगे सोमनाथ टेंपल पे के आसपास कोई भी रूम लेके, और कल आई थिंक जाएंगे ड्यू के भी स्टे करेंगे एक दिन, और उसके बाद फिर निकलेंगे गिर के लिए। और ये गंडोला का इस पे हम नीचे उतर रहे हैं, और ये भाई मिले हैं यहाँ के लोकल, क्या नाम है आपका? विशांत मेरा नाम है। विशांत भाई ना है, और हितेश, हितेश भाई, ये भाई मिले हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत चंगा लगता है भाई दिल्ली वालों के साथ, पुराना है अपने।
तो गाइस अभी आप देख रहे हैं ये है जैन मंदिर, ये सारे जितने भी मंदिर आप देख रहे हैं ये सभी जैन मंदिर हैं। को देखने के लिए ऊपर से आपको नीचे आना पड़ेगा पैदल, हाँ और जाना भी ऊपर फिर पैदल जाएगा। अब हम खाई में जा रहे हैं। अब ये खाई में आ गए हम, देखो ये नजारा तो कभी भी नहीं मिलेगा जिंदगी में देखने को। सच्ची में इतने सालों हम यहाँ रह रहे हैं, इसकी जो मजा है ना, ये जो फुल पैसा वसूल है, मतलब पूरा का पूरा फुल पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल है। हम निकल पड़े हैं सोमनाथ टेंपल के लिए। अभी हमने किया गिरनार, तो रोपवे पे हम गए थे गिरनार के सबसे ऊपर चोटी पे। माता जी का मंदिर है, उनके दर्शन किए और माता जी का आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों हम जाएंगे अब सीधा सोमनाथ को। पहले मुझे अपनी बाइक की चेन टाइट करानी है क्योंकि काफ़ी लटक गई है। 3-4 दिन से कंटिन्यू हम बाइक चला रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी स्पीड में चला रहे हैं। जब भी आप स्पीड में बाइक चलाओगे तो बाइक की चेन ऑलमोस्ट लूज़ हो जाता। पुष्पिंदर ठाकुर भाई हैं और ये हमारी बाइक का जो चेन लूज़ हो गई है उसको टाइट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी आवाज़ कर रही थी चेन। और अभी हमारा 3-4 दिन का और राइड बची हुई है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि हम काफ़ी कई बार फास्ट भी चलानी पड़ जाती है, तो उस हिसाब से बाइक को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो अभी हम जाएंगे सीधा सोमनाथ। काफ़ी स्मूथ हो गई है चेन टाइट कराने से, पहले बहुत आवाज़ कर रही थी चेन। गिरनार प्रवेश द्वार, यहीं से हमने प्रवेश किया था और यहीं से हमने एग्जिट किया। तो ये राउंड अबाउट से हमने लेफ्ट ले लिया है जैसे कि हमें गूगल भाई बता रहे हैं। और ये यहाँ का लोकल ऑटो और सवारी देखिए, कोविड में कम से कम 20 लोग भर के जा रहे हैं इसमें। तो अब 2 आवर्स का राइड और है हमारी सोमनाथ की। तो भाई बात न्यू है कि सनराइज हुआ था हमारा द्वारका में और सनसेट हो रहा है जूनागढ़ में। ये देखिए सनसेट हो रहा है जूनागढ़ में, जूनागढ़ में। ये है सोमनाथ टेंपल का गेट एंट्री द्वार और हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ। अभी हम जाएंगे सोमनाथ टेंपल पे और शिव भोले के दर्शन करेंगे, उसके बाद कमरा लेके यहीं पे स्टे करेंगे सोमनाथ में। तो गाइज ये देखिए सिटी सोमनाथ की, तो ये सामने मंदिर का द्वार दिख रहा है आई थिंक। तो ये देखिए गाइस, देखिए कितना खूबसूरत सोमनाथ टेंपल यार, एकदम आंखें तृप्त हो गई देखते ही। यहाँ खड़ी कर देते हैं अंदर। हम पहुँच चुके हैं सोमनाथ टेंपल, ये मेरे पीछे देखिए कितना ब्यूटीफुल सोमनाथ टेंपल है। तो हम 7 बजे पहुँच गए थे सोमनाथ टेंपल और ये देखिए लाइव आरती हो रही है और अभी एंट्री बंद है क्योंकि लाइव आरती हो रही है, अंदर आरती हो रही है और 7:30 बजे गेट खुलेगा। तो 10 बजे तक ये मंदिर खुला होता है। और ये मेरे पीछे देखिए, ये है पुराना टेंपल सोमनाथ और वो है नया टेंपल। A few moments later. हमने अभी दर्शन कर लिए हैं, कुछ ही मतलब कि 1/2 आवर हो गया हम दर्शन करके आ चुके हैं सोमनाथ टेंपल के। ये पीछे एंट्री गेट है और क्या बताऊँ कितना भव्य मंदिर है और बहुत ही शानदार। ये प्रथम ज्योतिर्लिंगम टेंपल है, शिवजी महादेव का ये टेंपल है। और हमने चेक इन कर लिया है ये होटल स्वागत में, बिल्कुल मंदिर के साथ में। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे होटल स्वागत, और ये पीछे मेरे क्लॉक रूम है, यहाँ पे हमने सामान जमा कराया था आने से पहले। यहाँ पे सामान जमा कराया ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप नहीं ले जा सकते मंदिर के अंदर। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये ओल्ड टेंपल है और गर्भ में शिवलिंग रखा हुआ है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। गाइस हम आ चुके हैं मंदिर में, जो बेसमेंट में इनका जो मेन शिवलिंग है वो कहा जाता है कि बेसमेंट में रखा गया है। तो चलते हैं बेसमेंट में।
और ये बाहर जाने का रास्ता है और ऊपर सेम शिवलिंग रखा गया है ताकि मुगलों को ना पता चले कि नीचे असली शिवलिंग है। तो ये बाहर जाने का रास्ता था, ये पुराना 200-300 साल पुराना है और ये बिल्कुल जो बेसमेंट है उसके ऊपर मंदिर में ये शिवलिंग स्थापित किया गया है और ये चांदी का द्वार है पुराने समय में। तो गाइस ये मंदिर की यही स्टोरी है। तो गाइस अभी हम हैं सोमनाथ में और ये पीछे सोमनाथ टेंपल, बहुत ही विशाल सोमनाथ टेंपल है। तो हम 7 बजे आ गए थे आज जैसे आप पता है, तो यहाँ पे आके हमें दो बहुत ही प्यारे दोस्त मिले हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रेश दुड़िया। चंद्रेश भाई हैं और आप? प्रकाश बेसला। प्रकाश भाई, ये दो भाई हमें मिले हैं और ट्रैवलिंग का यही मज़ा है, जो हम राइडिंग करते हैं, जो हम घूमते हैं तो नए नए दोस्त मिलते हैं हमें। तो इसी तरह ये दो भाई हमें मिले हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, फिर कभी भी हम आए कोई प्रॉब्लम हो आप अगर यहाँ आते हैं तो भाई का नंबर है मेरे पास, कोई भी दिक्कत होगी तो भाई आपकी हेल्प करेगा। अभी बस अब हम जाएंगे होटल में। A few moments later. तो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने वापस होटल में, ये हमारा है रूम, होटल का नाम है स्वागत ओयो रूम्स। तो आज हमारा स्टे यहीं पे है, कल सुबह हम जाएंगे ड्यू बीच और वहाँ पे बीचों का नज़ारा लेंगे और आपको भी पूरा एंजॉय करने को मिलेगा। तो गाइस 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 अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज एट लास्ट राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।